नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी की सियासत के दांव पेच में कई बार कद्दावर नेता भी उलझ जाते हैं। ऐसा ही यूपी के पूर्व सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के साथ भी हुआ था, जब उनके 3 विधानसभा सीट से 3 और मुलायम नाम के प्रत्याशी उतर गए थे। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन साल 1993 मुलायम सिंह यादव से किसी ने ये पूछा होता तो उसे पता चलता कि नाम के फेर से चुनाव जीते और हारे भी जाते हैं। मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए मुलायम सिंह यादव के साथ एक नहीं दो बार ऐसा हुआ कि उनके ही नाम के प्रत्याशी उनके खिलाफ खड़े कर दिए गए थे। मुलायम को अपने नाम राशि मुलायम से ही चुनाव के मैदान में लड़ना पड़ा था। पहली बार 1989 में जब जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम ने पर्चा भरा था तो उन्हीं की नाम राशि वाला एक व्यक्ति मुलायम सिंह यादव उनके खिलाफ खड़ा था। तब मुलायम ने मतदाताओं को यह बताने के लिए कि वही असली मुलायम सिंह यादव हैं, अपने नाम में अपने पिता का नाम सुघर सिंह जोड़ दिया था और बैलेट पेपर पर उनका नाम मुलायम सुघर सिंह यादव छपा। 2 साल बाद 1991 में भी जसवंत नगर सीट से ही चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भी उनके खिलाफ एक और मुलायम सिंह यादव ने पर्चा भर दिया था। मुलायम सिंह यादव जब साल 1993 के चुनाव में एक साथ 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की ठानी थी और वह इटावा जिले की जसवंत नगर, फिरोजाबाद की सिकोहाबाद और एटा जिले की निधौली काला सीटों से पर्चा भरे थे। बता दें कि उस पर तो इतनी स्थिति बिकट थी कि तीनों ही सीटों से मुलायम के खिलाफ उनकी नाम राशि वाले प्रत्याशी उतार दिए गए थे। हालांकि बता दें कि नाम से उलझने की राजनीति मुलायम के खिलाफ कभी काम नहीं आ सकी थी और वह हर चुनाव को जीत गए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।